कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने एचएसएससी में पूछे गए कंप्यूटर के प्रीवियस क्वेश्चंस जो थे वो डिस्कस किए थे। अभी इस वीडियो में भी हम वही करने वाले हैं, ठीक है। पर जैसा कि मेरी जो पहली वीडियो थी उसमें कुछ मैंने क्वेश्चन पाइथन लैंग्वेज के और प्रोग्रामिंग के लिए थे, तो जिन बच्चों को एडवांस नहीं आता या फिर जिनका जो टेक्निकल है वो बहुत ही कमज़ोर है, यानी कि कंप्यूटर में जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं उनको वो समझ नहीं आए, ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे जब हम ये तो हम पेपर जो आए थे वो एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, इनका सॉल्यूशन देख रहे हैं क्या था क्या नहीं, लेकिन अब जो आगे हम कोर्स स्टार्ट करेंगे उसमें हम आपका बेसिक कोर्स भी बनाएंगे, ठीक है, और एडवांस भी बनाएंगे। यानी कि जिनका बेसिक क्लियर है वो अपना एडवांस कोर्स भी कर सकते हैं और जिनका बेसिक क्लियर नहीं वो पहले बेसिक करके फिर वो एडवांस पे जा सकते हैं। तो आपका पाइथन हो गया, सी, सी प्लस प्लस, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस, और इसमें भी आप ये ध्यान रखिएगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आप बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं तो हो सकता है आपको समझ ना आए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टर आर यूज टू, कंस्ट्रक्टर्स का उपयोग किस लिए होता है, ये प्रोग्रामिंग का है, ओप्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर की बात आएगी जब बात आएगी क्लास की, ठीक है, क्लास की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास है आपका, कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज होता है, इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और कंस्ट्रक्ट द डाटा। यानी कि अभी हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, ठीक है, कि होता क्या है। जैसे मान लो आपकी कोई क्लास है ए, ठीक है, इसी के अंदर मान लीजिए ये आपका एक नंबर है ए, ठीक है, ये एक वेरिएबल है ए, इसको हमें कुछ वैल्यू देनी है, ठीक है, तो हम बना लेंगे एक कंस्ट्रक्टर पब्लिक, ठीक है, ए, और इसमें हम एक पास कर देते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है, और ये क्या करेगा, ए इक्वल टू वाई, ठीक है। अभी ये ए आपका यहां पे क्या है, कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर की पहचान क्या है, अगर आपको पहचान ना हो कि इसमें हमें कैसे पता चला, देखिए कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा मेथड है जिसका सेम नेम होता है जो कि आपकी क्लास का नेम होता है, ठीक है। और अब ये इन्वोक कब होता है, एग्जीक्यूट कब होता है, यानी ये काम कब करता है, ये जब काम करता है जब इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाए। मान लो मैंने क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओ बी जे वन, ठीक है, और इसको मैं अभी जो है प्रॉपर हम सिंटेक्स की बात नहीं कर रहे, अभी मैं सिर्फ नॉर्मल वैसे ले लेता हूं, जैसे मैंने इक्वल टू न्यू ए, ठीक है, मैंने एक वैसे जनरल सिंटेक्स लिया है, ठीक है, किसी प्रोग्रामिंग का स्पेशल नहीं है, जनरल सिंटेक्स। ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, ठीक है, न्यू कीवर्ड मेमोरी एलोकेशन के लिए ए। अब ये एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा अब आपका, ठीक है, जैसे अब हम यहाँ पे कुछ पास कर दें, 10 पास कर दिया, एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, इसको क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर, ठीक है, आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर। अब क्या होगा, जैसे ही ये ओबीजे क्रिएट हुआ है तो ये क्या होगा, 10 यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है, ये इन्वोक होगा आपका कंस्ट्रक्टर, और ये 10 किस में स्टोर हो जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये खास बात है किसकी, कंस्ट्रक्टर की, यानी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आपका इन्वोक हुआ है। कंस्ट्रक्टर एक मेथड है, एक फंक्शन है जिसका नेम जो है क्लास के जैसा ही होता है, और कब कॉल होता है, कब इन्वोक होता है, ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और इसको जो हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उसमें हम कुछ डाटा पास करेंगे, वो कहाँ पे स्टोर करते हैं, हमारे वेरिएबल में। तो हम ये दोनों बातें बोल सकते हैं कि इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में कुछ इनिशियलाइज कर रहे हैं, कुछ वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। साथ के साथ हम ये भी बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट द डाटा, यानी हम ये डाटा यहाँ पे क्रिएट भी कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। डाटा हो गया या फिर इनिशियलाइज करने के लिए जो ये डाटा है इसमें स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तब, ठीक है, तो किसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर का, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आंसर हो गया ए व बी दोनों। नेक्स्ट, अस्काई, बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अस्काई की फुल फॉर्म पूछी है, ठीक है, तो अस्काई की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। पर इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हम वैसे देख लेते हैं जनरली, ठीक है,
ये तो डायरेक्ट फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं। अस्काई का उपयोग किसके लिए है? सबसे पहले अस्काई का उपयोग किसके लिए है? नंबर्स व कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। भाई कंप्यूटर में हमें नंबर्स और कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अस्काई कोड को यूज किया गया है। ठीक है, अब अस्काई से जुड़े आपसे दो सवाल पूछे जा सकते हैं कि अस्काई का साइज क्या है। ठीक है, अस्काई कितने बिट का होता है? तो 7 बिट। और अगर आपसे पूछ ले अस्काई मॉडर्न, ठीक है, यानी कि नॉर्मल अस्काई का साइज 7 बिट, मॉडर्न अस्काई या फिर और एक्सटेंडेड अस्काई, ठीक है, ये लिखा हो तो हम बोलेंगे 8 बिट। ठीक है, अब रही बात, एक सवाल ऐसे भी घुमा के पूछ सकते हैं कि कितने कैरेक्टर्स बनाए जा सकते हैं, निर्मित किए जा सकते हैं, फॉर्म किए जा सकते हैं। तो अगर हम यूज करते हैं 7 बिट तो कितने कर सकते हैं? 2 की पावर 7, 128। ठीक है, अगर हम यूज करते हैं 8 बिट वर्जन तो कितने? 256। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है कि ये जो 1 बिट है इसके बारे में पूछे तो ये किस लिए होती है? रिजर्व होती है। ठीक है, रिजर्व होती है, कुछ कंप्यूटर्स में इसका यूज किया जा सकता था। ठीक है, अलग से अगर इसका यूज करना था तो। ठीक है, तो पहले हम अस्काई यूज करते थे, 7 बिट की होती थी और कितने कैरेक्टर हो सकते थे? 128। ठीक है, पर जो अभी अस्काई कोड यूज हो रहा है वो हम उसे मॉडर्न बोल देते हैं या फिर एक्सटेंडेड अस्काई बोल देते हैं। साइज है 8 बिट और कैरेक्टर्स कितने निर्मित किए जा सकते हैं? 256। ये चीज आप ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछी गई ये चीजें। ठीक है, यहाँ तो जनरल एक फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लोर्ड डिवीजन इन पाइथन 3.0। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि फ्लोर्ड डिवीजन इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो पाइथन में फ्लोर डिवीजन होता है ये वाला। ठीक है, अब ये फ्लोर डिवीजन है क्या वैसे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिया एक्स इक्वल टू 10, ठीक है, और प्रिंट कर दिया एक्स, ये जो सिंबल है ये लगा के, ठीक है, 2। तो अब फ्लोर डिवीजन क्या होगा? x में कितना है आपका? 10 है। इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं? 2 से कर रहे हैं, यानी 2 × 5 = 10। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? रिमाइंडर 0। तो जो ये आया है ये है आपका फ्लोर डिवीजन। ठीक है, ये है आपका फ्लोर डिवीजन। अब बात करें, ये तो एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। अगर ये दशमलव का केस होता, यानी कि ऐसा कुछ करते कि प्रिंट, जैसे मैंने लिख दिया 17, ठीक है, तो अब क्या आएगा जब इसको 17 को 2 से डिवाइड करेंगे? ऐसे। ठीक है, फ्लोर डिवीजन, ना कि सिंपल डिवीजन। अब अगर ये होता सीधा, ठीक है, तो आ जाता आपका 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 8.5, ठीक है, 5, 8.5। अब फ्लोर डिवीजन है तो इसमें फर्क क्या पड़ा, दोनों में अंतर क्या है? देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब आपने इसको डिवाइड किया 16, ठीक है, और दशमलव, ये तो जो ये पॉइंट वाला है, जो दशमलव का पार्ट है, इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा, यानी अब आपका रिजल्ट क्या आएगा? 8। ठीक है, तो जब भी डिवाइड करेंगे तो दो जो दशमलव का पार्ट है वो छोड़ दिया जाएगा, उसे बोलेंगे फ्लोर डिवीजन। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, इसमें स्पेशल प्रोग्रामिंग की इस तरह की कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, सीधा सीधा आप याद रखो। ठीक है, हो जाएगा। ये नॉर्मल आपका डिवीजन है, मैंने आपको बता दिया ये आएगा। ठीक है, ये किस लिए होता है? परसेंटेज, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, परसेंटेज किसको, इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं कि ये परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में ये भी किसका काम करता है? आपका रिमाइंडर का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, रिमाइंडर का। जैसे मैं कहूँ 2 या फिर 21 ले लेते हैं, 21% 2, इसका मीनिंग क्या है कि जब 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया आपका? ठीक है, 1। ये चीज है, तो उस केस में रिजल्ट क्या होगा आपका? 1। तो ये डिफरेंस आप इनमें ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स। देखिए यहां पे एक टर्म आई है ओपन सोर्स, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ओपन सोर्स है क्या। ओपन सोर्स वे सभी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी प्रोग्रामिंग, यानी जिनके प्रोग्राम
आपको पब्लिकली अवेलेबल हो, यानी आपके पास आप फ्रीली बिना कोई पैसे दिए और उनको आप देख सकते हो कि उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और उसको देखकर आप अपना प्रोग्राम भी बना सकते हो, वो होंगे आपके सारे ओपन सोर्स, ठीक है। अब इनमें से पूछा है कि कौन सा ओपन सोर्स है, ठीक है, देखिए एमएस वर्ड जो है ये ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है, और दूसरी एक टर्म आती है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिर्फ फ्री हैं, फ्रीली आपको, यानी आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप उसको बिना खरीदे आप उसको यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, वो हो गया आपके फ्रीवेयर, ठीक है। ओपन सोर्स वे हैं जो फ्रीवेयर भी हो सकते हैं, यानी फ्री भी हो सकते हैं, पेड भी हो सकते हैं, पर इनकी कोडिंग जो है वो आपको अवेलेबल है, आप उनका प्रोग्राम देख सकते हो, ठीक है। तो एमएस वर्ड जो है आपका ना तो फ्रीवेयर है ना ओपन सोर्स है, ये आपका कैसा है, शेयरवेयर, ठीक है। तो आपको अब पता होना चाहिए कि शेयरवेयर क्या है। शेयरवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका आपको डेमो अवेलेबल होगा, ठीक है, आपको कुछ दिन का, 2-4 दिन का 10 दिन का एक ट्रायल मिलेगा, एक डेमो मिलेगा, आप देखिए आपको अच्छा सॉफ्टवेयर लगता है तो आप खरीद सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ना खरीदिए, आपकी चॉइस है। पर फ्रीवेयर आपके लिए फ्री है, ठीक है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, ना कोई डेमो ना कुछ, डायरेक्ट आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो एमएस वर्ड जो है वो आपका कैसा है, शेयरवेयर है, ठीक है। और इसी से जुड़ा एमएस एक्सेल, ये भी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये दोनों कैसे हैं आपके, शेयरवेयर हैं, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एमएस ऑफिस है आपका वो कैसा है, शेयरवेयर है, यानी कि वो ना तो फ्री है, ठीक है, ना ही वो ओपन सोर्स है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो हमारा आंसर ये भी नहीं है और हमारा आंसर ये भी नहीं है, ठीक है। अब की में हो सकता है कि ये दिया हो आपका वर्ड परफेक्ट ऑफिस, ठीक है, तो एक्चुअल में जो ये है ये भी आपका ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है, ये कोरल कंपनी ने इसको खरीद लिया है और लाइसेंस है बकायदा इसका अगर आपको लेना है तो, ठीक है, तो ये भी आपका फ्रीवेयर नहीं है। पर जो ये फ्रीवेयर भी नहीं है और ये आपका ओपन सोर्स भी नहीं है, ठीक है। अब बात आती है केराइट की, ठीक है, केराइट ये एक टेक्स्ट एडिटर है, यानी ये भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, के वर्ड, ठीक है, ये आपका फ्रीवेयर है, ठीक है, ये आपका फ्रीवेयर है, यानी आप फ्री में इसको यूज कर सकते हो, पर ओपन सोर्स तो ये भी नहीं है, यानी कि इन ऑप्शन में कोई भी ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, ये फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स नहीं है, तो फ्रीवेयर और ओपन सोर्स दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, नॉट एग्जाम्पल, ठीक है, ये पूछा कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। SQL एक डाटाबेस है, SAP एक डाटाबेस है, ठीक है, Oracle एक डाटाबेस है, .NET ये डाटाबेस नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है, इसके बारे में आप ध्यान रखना, पूछा जा सकता है .NET क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है, किसके द्वारा बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा, ठीक है, और इस फ्रेमवर्क से क्या बनाया जाता है, इससे वेब एप्लीकेशन, ठीक है, वेब एप्लीकेशन और डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स, यानी स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर्स आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स हैं वो बनाए जाते हैं और वेब एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, यानी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए जाते हैं इससे, तो ये एक फ्रेमवर्क है, बाकी सारे आपके डाटाबेस सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिडिक्ट द आउटपुट, ये आपका C++ का प्रोग्राम दिया गया है, ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व, F=1, F में क्या है, 1, ठीक है, I में क्या है, 2, उसके बाद डू क्या करिए, F*=I, इसका मीनिंग क्या है कि F=F*I, ठीक है, F=F*I, यानी F को मल्टीप्लाई करना है I से और स्टोर किस में करना है, F में, ठीक है, डू, यानी ये चीज आपको करनी है। उसके बाद फिर है कंडीशन, वाइल, कब तक, जब तक प्लस प्लस आई और लेस देन 5 हो, ठीक है, और फिर उसके बाद प्रिंट करना है जो भी एफ के अंदर है वो चीज आपको प्रिंट करनी, भी बताना है कि एफ में क्या आया। देखिए अब सबसे पहले डू, यानी हमें ये चीज करनी है, F*i, अब एफ में कितना है, 1 है, और आई में कितना है, 2 है, ठीक है, तो 1 और 2 गुणा करेंगे, 2 एकम 2, अब F में क्या हो गया आपका,
दो, ठीक है, यहाँ थे। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखिए, प्लस प्लस आई, इसे बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। प्लस प्लस आई यानी कि पहले आई की एक वैल्यू बढ़ाओ, फिर ये कंपैरिजन करना है, ठीक है। अगर ये होता आई प्लस प्लस, अगर होता आई प्लस प्लस, तो पहले कंपेयर करते फिर आई की वैल्यू बढ़ाते, यानी यहाँ पे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू बढ़ेगी। अब आई कितना हो गया, 3, ठीक है। कंपेयर किया, 3 less than 5, क्या ये लेस देन है, बिल्कुल है, 3 5 से छोटा है, यानी ये कंडीशन ट्रू है। अब ये अगर ट्रू है तो वापस इस स्टेप पे जाएंगे, अगर ये फॉल्स हो जाती तो आगे निकल जाते हैं। अब ये ट्रू है, आई 3 है, तो हम कहाँ जाएंगे, वापस डू के अंदर जाएंगे, ठीक है, वापस इस डू में आएंगे। अब फिर से आए, अब क्या है, देखिए एफ के अंदर तो 2 है, ठीक है, और आई में कितना है, 3 है, तो दोनों की मल्टीप्लाई होके अब एफ में कितना आ जाएगा, 3 2 6, अब हो गया आपका एफ 6, ठीक है। यहाँ आ गए एक एक लाइन करके, यहाँ आ गए प्लस प्लस आई, यानी अब फिर से आई में एक चीज, एक वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है। अब आई हो गया आपका 4, कंपेयर किया, क्या 4 5 से छोटा है, बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो हम वापस जाएंगे, फॉल्स होती तो आगे निकल जाते। अब वापस आए, ठीक है, अब वापस आएंगे तो अब एफ क्या हो चुका आपका, 6, और आई कितना है आपका, 4, ठीक है। अभी ये है, वापिस आए तो अब क्या होगा, फिर से एफ और आई की गुणा, यानी 6 चौके 24, अब आपका एफ कितना हो गया, 24, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, प्लस प्लस आई, आई में एक वैल्यू बढ़ गई, यानी आई अब क्या है, 5, ठीक है। एफ कितना आपका, 24 है, और आई कितना है, 5, कंपेयर किया, क्या 5 less than 5 है, नहीं। अब क्या हो गया, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ठीक है, फॉल्स होगी तो अब हमें आगे जाना है, ठीक है। अब आगे आएंगे तो अब पूछा है कि बी एफ में क्या है, सी आउट मतलब आउटपुट में दिखाएंगे, एफ में जो है, एफ में कितना है, 24, ठीक है। तो ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन था, ये ऐसे सोल्व होगा, ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन में ये चीज चेंज हो जाता है, यहाँ पे प्लस प्लस आई की बजाय आई प्लस प्लस होता, तो ये जो इसका रिजल्ट है वो अलग होता, ये आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको ट्राई करना है तो, ठीक है, आप इसको प्लस प्लस आई की बजाय आई प्लस प्लस करके ट्राई कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेटवर्किंग, ये पूछा है कि नेटवर्किंग में इन इनमें से कौन सा नहीं होता। देखिए, नेटवर्किंग का मतलब ये है कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना, और वो किस लिए जोड़ते हैं, हम वो रिमोट एक्सेस के लिए भी जोड़ते हैं। रिमोट एक्सेस मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को ऑपरेट करना। भाई एक कंप्यूटर मान लो, एक जैसे हरियाणा में रखा है, एक दिल्ली में रखा है, यानी कि दूसरे रिमोट यानी कि दूर है, ठीक है, उसको हम नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग ये भी कर सकते हैं। ये रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या है कि जो आपके कंप्यूटर के रिसोर्स हैं, जैसे कि आपका प्रोसेसर है, ठीक है, जो भी आपके हार्डवेयर हैं, प्रिंटर मॉनिटर हर चीज़, वो आपका रिसोर्स होगा, हार्ड डिस्क स्टोरेज, ठीक है, वो चीज़ें भी आप शेयर कर सकते हो नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। कम्युनिकेशन, बिल्कुल, कम्युनिकेशन मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन ही करें, वार्तालाप हम कर सकते हैं, संप्रेषण, ठीक है। पावर ट्रांसफरिंग ये नहीं हो सकता, ठीक है, यानी एक कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, तो ये नेगेटिव क्वेश्चन था, आंसर होगा ये कि पावर ट्रांसफर नहीं हो सकती, एक कंप्यूटर की दूसरे कंप्यूटर में पावर ट्रांसफर नहीं हो सकती, ये बाकी सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, ये भी आपका हरियाणा पुलिस में पूछा गया था, सी प्लस प्लस का ये क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा लेंथी लग रहा है दिखने में, पर इतना नहीं है, ठीक है। और वैसे जिसने प्रोग्रामिंग नहीं की है या जिसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं थी, इवन वो कंप्यूटर के स्टूडेंट थे, कंप्यूटर साइंस में उनकी चाहे बीएससी हो चाहे बीटेक हो, उनको भी दिक्कत आई थी, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्या होगा इसमें। जैसे इसने लिया है यहाँ पे इंट मेन, ये आपका एक फंक्शन है, मेन फंक्शन चलता है, ठीक है। अगर आपसे किसी एग्जाम में पूछ ले भाई ये मेन क्या है, तो यहाँ से प्रोग्राम आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, मेन से आपका प्रोग्राम चलना स्टार्ट होता है। तो यानी कि यहाँ से हम शुरू हुए, ठीक है, ये लाइन हो गई। अब आई इस लाइन पे, कैरेक्टर CHR, कैरेक्टर AR20, इसका मतलब क्या है कि आपने एक एरे लिया, ठीक है, जिसका साइज कितना है, 20, 20 कैरेक्टर उसमें ये है भी, AR के नाम से एक आपका एरे है जिसमें आप 20 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं।
टाइप पूछे तो कैसा है कैरेक्टर, यानी कि इसमें जितने भी 20 जो वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी, सारी कैरेक्टर। तो अब एरे हम किसको बोलते हैं कि एक ऐसा कंटेनर या एक ऐसा बैग या फिर एक ऐसा कलेक्शन जिसमें सेम टाइप का सारा सारे एलिमेंट है या सारा डाटा है, ठीक है, यानी एक तरह की चीजें सारी। तो ये एक एरे है ARR, और इसमें सारे क्या है कैरेक्टर्स, ठीक है, साइज कितना है 20, 20 एलिमेंट इसमें आ सकते हैं। साथ में एक चीज और ध्यान रखना आप कि एक कैरेक्टर का साइज कितना होता है, 1 byte, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, एक कैरेक्टर का साइज कितना होता है, 1 byte, ये पहले भी क्वेश्चंस में डिस्कस हुआ था, अभी भी ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद क्या है इंट आई, यानी एक वेरिएबल है आई, अभी डिसाइड नहीं है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होती है, गार्बेज वैल्यू होती है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है हमें नहीं पता, वो गार्बेज वैल्यू बोल देते हैं उसको, ठीक है। अब आते हैं अगली लाइन पे, फोर। अब ये फोर क्या है, यहाँ पे आपका लूप, ठीक है, यानी कि लूप चलेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जिसका अगर बेसिक नहीं है नॉलेज, उस मतलब जिसको एडवांस नॉलेज नहीं है, बेसिक थोड़ा बहुत अभी पढ़ना शुरू किया है, उसको ये समझ नहीं आएगा, ये उन्हीं के समझ आएगा जिन्होंने प्रोग्रामिंग या तो की हुई है थोड़ा बहुत, ठीक है, या अभी कर रहे हैं, या जिस जिनका बेसिक क्लियर है और अभी प्रोग्रामिंग जिन्होंने स्टार्ट करी, तो थोड़ा थोड़ा उनको एक ओवरव्यू होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डिटेल में करेंगे सारी सी सी प्लस प्लस पाइथन, वो हम हमारे कोर्स में करेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर अगर आपको अभी ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, ठीक है, पर अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है लूप, लूप का मतलब क्या है कि एक ही कोड का बार बार एग्जीक्यूट होना, पर यहां पे एक ट्रिक लगाई हुई है, ध्यान देने वाली बात है, यहां पे एक ट्रिक लगाई हुई है क्या कि यहां पे ब्रैकेट्स नहीं दी, कर्ली नहीं दी, यानी कि होता क्या है, वैसे हम ऐसे एक फोर लगाएंगे, ठीक है, और कर्ली होती है, यानी इन कर्ली के बीच का जो भी कोड होता है वो बार बार एग्जीक्यूट होता है जब तक ये कंडीशन चलती है, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहती है, ये कोड बार बार चलता रहता है, पर यहां पे कर्ली नहीं है, कर्ली नहीं है तो क्या होगा, अगर कहीं पे कर्ली ना हो तो बाय डिफॉल्ट एक ही लाइन को उस लूप का पार्ट माना जाता है, चाहे वो लूप हो या इफ एल्स हो, ठीक है। अगर ये लूप है, इसकी बजाय अगर खाली इफ और एल्स भी होता, उस केस में भी अगर ब्रैकेट्स ना लगाएं तो एक ही लाइन को उसका पार्ट माना जाता है, नेक्स्ट लाइन को उसका इस जो भी लूप होगा या कंडीशन होगा उसका पार्ट नहीं माना जाता है। यानी कि अब इस फॉर लूप का जो जो भी एरिया है, हम बोल सकते हैं जो भी क्षेत्र है, वो कौन सा है, सिर्फ इतना है, ठीक है, यानी आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है कि फॉर आई 0 है लेस देन 10 है, यानी कि ये लूप आपका चलेगा कहाँ तक, ये जो कंडीशन है इसके हिसाब से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 प्रिंट होने हैं, ठीक है, टोटल 10 एलिमेंट इस लूप से एक्सेस होने हैं, ठीक है। अभी क्या है आई 0 है, यानी आई 0 अभी शुरू है ना, देखो यहाँ तो सिर्फ आई लिया था, पहले गार्बेज थी, अभी यहाँ पे क्या किया, आई में 0 डाल दिया, और अब जाएंगे लेस देन 10 तक, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आई है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आई लेस देन 10 तक जाएंगे, यानी 9 तक जाएंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे आई 0, ठीक है, अभी आई 0 पे है, पहला स्टेप आई 0 पे स्टार, ठीक है, ARR प्लस आई इक्वल टू 65 प्लस आई। अब देखिए आई कितना है, 0 है, ध्यान से देखिए आई कितना है, 0, यानी हम पहले स्टेप पे हैं, जो जिस जो आई 0 है, ठीक है, आई के अंदर है 0, यानी 65 प्लस 0 65 ही होगा, ठीक है। साथ में ARR ये एरे है, ठीक है, जब हमने इसको यहाँ पे बनाया था, ठीक है, यहाँ पे डिक्लेयर किया था, तो मेमोरी में कहीं ना कहीं एरे रखा है, ठीक है, AR नाम से मेमोरी में कहीं ना कहीं रखा है। अब मान लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, भाई आपका मेमोरी में कहीं ना कहीं ये रखा है, ठीक है, और टोटल इसमें कितने एलिमेंट आ सकते हैं आपके, 20 आ सकते हैं, ऐसे करके 0 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है, टोटल कितने आ सकते हैं, 20 आ सकते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं, अब मान लेते हैं कि पहला एड्रेस जो इसका वो क्या है, 0 है, ठीक है, तो इसमें अब कंफ्यूज करने वाली बात है, ठीक है, एक्चुअल में ये है क्या, ये किसके इक्वल है,
ये है ए आर आर ऑफ जीरो के इक्वल, यानी आई के इक्वल। आई की वैल्यू क्या है अभी? जीरो। तो ए आर, यानी हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ए आर आर इक्वल जीरो इक्वल टू 65। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो जीरोथ पोजीशन है, जो पहला इंडेक्स है, जो जीरो है, उस पर क्या स्टोर हो जाए? 65। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, एक यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, ये ऐसा पूछ लेते हैं भाई, अब इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे? वैसे क्या है आपका, ये पॉइंटर है, पर यहाँ पे इसको एक नाम और दे देते हैं, डी रेफरेंसिंग। ठीक है, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी बोल देते हैं। तो आपसे पूछा जाए डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर क्या होता है? स्टार। ठीक है, अभी देखिए ये इसके इक्वल हो गया। अब क्या है, यहीं तक आना है ना हमें तो। ठीक है, क्योंकि ये तो इसका पार्ट है ही नहीं लूप का, ब्रैकेट्स तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें वापस जाएंगे, यही लाइन फिर से चलेगी। अब जब ये लाइन दोबारा चलेगी तो आई की वैल्यू क्या है? अब 1 है। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है अब? 1 है, यानी सेकंड स्टेप में। अब ये क्या हो जाएगा आपका? 65 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 66। नेक्स्ट ए आर आर, अब 2 पे क्या आ जाएगा? 65 प्लस 2, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 67। यानी इस पैटर्न से हम एक चीज तो समझ पा रहे हैं, क्या कि एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी 0 पे अगर 65 था, तो फिर 1 पे 66 है, फिर 67 है, फिर 68 है, फिर 69 है, 70, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं आगे। ठीक है, कहाँ तक जाएगा ये लूप पे बात है, कितने तक जाएगा? 9 तक जाएगा, यानी ये लास्ट कहाँ तक जाएगा? 9 तक, यानी 74 तक। आपका कितने तक स्टोर हो जाएगा? 74 तक। अब खास बात देखिए, यहाँ पे आपके दो चीज़ें हैं जिनको थोड़ी प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि हमने स्टोर क्या किया है? 65, 66, 67, 68, यानी हमने नंबर स्टोर किए, पर ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, हम जाएंगे इनमें से कोई नहीं, नहीं जी इनमें से ही है। ठीक है, अभी ये कैसा है? कैरेक्टर एरे है। एक्चुअल में कैरेक्टर्स भी नंबर्स की फॉर्म में ही से होते हैं, पर जब उनको प्रिंट किया जाता है तो डेसिमल से उनको, ये जो जैसे आपके कोड थे ना, जो पहले हमने डिस्कस किया था, अस्काई कोड हो गया, ठीक है, एपडेसिक होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो इन कोड्स का हम उपयोग करते हैं। और उन कोड्स में जो आपका अस्काई है, अस्काई कोड में हम 65 को ए बोलते हैं, यानी ए की वैल्यू क्या होती है? 65। यानी हमने कहीं पे 65 स्टोर कर रखा है, ठीक है, तो कैपिटल ए प्रिंट होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये लूप चला, उसके बाद देखिए ये क्या हो गया कि a ऑफ i, अब इसका तो देखो कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दो, क्योंकि अभी मेन फंडा क्या है? सी आउट। ठीक है, ये प्रिंट क्या हुआ, अब यहाँ पे सी आउट, काउंट नहीं है, सी आउट है। ठीक है, इसने प्रिंट किया यहाँ पे, ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, ये 9 तक तो आपका लूप चल गया, पर 9 के बाद जब आई आगे तो बढ़ेगा नहीं, ये कंडीशन खत्म हो चुकी है, तो ये एक बार चलेगी स्टेटमेंट। ठीक है, एक बार चलेगी, और आई में आपका क्या था? 10 था, तो जो आपका आई में 10 था उसके ऊपर ये जो लास्ट वाला था उस पर ये क्या स्टोर कर जाएगा? ये वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं नल, नल यानी एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्टोर कर जाएगा लास्ट वाले में। तो अब ये तो एक ही बार चलेगी, ठीक है, जो बिल्कुल लास्ट था उसी के लिए, ये आपका हो चुका। ठीक है, अब आते हैं प्रिंट के बाद, सी आउट। सी आउट किस लिए यूज होता है? यहाँ पे भी आपके दो सवाल है, एक होता है सी इन और एक होता है सी आउट। सी आउट होता है आउटपुट दिखाने के लिए, सी इन होता है कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, अभी हमें आउटपुट करना है ए आर आर। ठीक है, यानी कि ये जो एरे है इसमें जो भी है भाई आउटपुट दिखा दो। ठीक है, अब इसमें आउटपुट दिखाना शुरू किया, यहां से शुरू किया। ठीक है, तो जीरो नंबर पे क्या था आपका? ए था, एक पे बी, अब ये सीक्वेंस में होंगे ए बी सी डी ऐसे। ठीक है, फिर टू पे, थ्री पे, फोर पे, फाइव पे, सिक्स पे, सेवन पे, एट पे और नाइन पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे जब प्रिंट किया, तो आपका कहाँ तक प्रिंट हो गया? A B C D E F G H I J, यानी कि 0 to 9 आपका क्या हो गया? ये चीज हो गई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा होगा दिमाग में
कि लास्ट में हुआ क्या था, यहाँ पे जब आई नाइन था, ठीक है, यहाँ पे जब आई नाइन था और नाइन पे हमने ये 74 स्टोर कर दिया था और ये जो हमारा कोड है ये फिनिश हो चुका था, तो उसके बाद इस नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ होगा, इस नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ होगा कि जब ये यहाँ पे आया ना तो आई प्लस प्लस हो गया, यानी कि आई की वैल्यू जो लास्ट वैल्यू थी वो क्या हो चुकी थी, 10। यहाँ पे आई क्या हो चुका था, 10, और 10 में पे ये नल स्टोर हुआ था, ठीक है। हमें यहाँ पे लगेगा कि वो 9वें पे नल स्टोर हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहाँ पे मिस्टेक हो सकती थी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, कहीं पे लूप का पॉइंट है, कभी ब्रैकेट का पॉइंट, तो ये बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हो तो बहुत कुछ सीखने वाला भी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है उसके बारे में आपको पता लग गया, ठीक है, एरे क्या है, एरे को कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है, अब स्टोर कैसे हो रहा है, नंबर स्टोर हो रहे हैं, प्रिंट क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि कैरेक्टर एरे था, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ जो 10वीं पोजीशन थी उसके ऊपर वो नल स्टोर हुआ है, यानी 0 to 9 तो आपके ये स्टोर हैं, ठीक है, यानी 10वीं पोजीशन पे नल है, उसके बाद फिर हमने इसको प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर रखना कि इससे क्या हुआ होगा, इससे 10वें प्लेस पे नल स्टोर हुआ है, ठीक है। अब इस चीज के बारे में भी ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको नल बोलते हैं, ठीक है, या एम्प्टी स्ट्रिंग बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन भी एचएसएससी में आ चुका है, भाई ये क्या चीज है ये, तो इसको एम्प्टी स्ट्रिंग या एंड ऑफ द स्ट्रिंग हम ये बोल सकते हैं, एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ऐसा क्वेश्चन आया है कि भाई कोई स्ट्रिंग है वो टर्मिनेट हो, ठीक है, वो एंड हो, वो खत्म हो जाए, वो कहाँ क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग। भाई कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई लाइन लिखी हुई है, उसका एंड क्या है, ये है, ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग भी इसको बोल देंगे, तो ऐसे ये आपका आंसर आया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। हाँ, पर अगर इसी क्वेश्चन में वो ब्रैकेट दे देता और दोनों एक साथ लिख देता, यानी कि जो आपका ये कोड है देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें वेरिएशन, अगर इसी कोड को वो ब्रैकेट में लिख देता तो क्या फर्क पड़ता, देखिए अगर वो ऐसा कर देता, कि 4, ठीक है, आई लेस देन 0, आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देता और फिर ये लिखता है ऐसे स्टार AARI, ठीक है, इक्वल टू 65 प्लस आई, उसके बाद स्टार ARI, ठीक है, इक्वल टू, ये टर्मिनेटिंग हो गया, नल बोल देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे किया प्रिंट cout ARR, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि हर आई की पोजीशन के लिए स्टोर क्या होगा, ये पहले ये स्टोर होगा फिर ये स्टोर होगा, यानी कि एंड ऑफ द प्रोग्राम कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, अगर ऐसे इसको घुमा के पूछ ले तो एंड ऑफ द प्रोग्राम कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, अब फिर से इसको देखना, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप इसको 2-3 बार रिवाइंड करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है। फिर भी अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो हम हमारे कोर्स में करेंगे, ऐसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि ये सब क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एक्ट एज ए कंस्ट्रक्टर, देखिए ये आप सीधा सीधा याद कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले भी जो हमने क्वेश्चन करे थे वहाँ भी ये आया था और मैंने आपको बोला था कि ये क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है। तो पाइथन लैंग्वेज में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जिसका नाम है ये इनिट, इनिशियलाइज, और इसका काम भी अगर आपसे पूछ ले तो क्या होता है, वही डाटा इनिशियलाइज करना, ठीक है, C++ में अलग चीज थी, ठीक है, पाइथन में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो हर क्लास को इनिशियलाइज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम, ये कह रहा है कि भाई किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना क्या कहलाता है,
इंस्टांस क्रिएट करना, ठीक है। यानी ये ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास की एक इंस्टांस है, ठीक है, एक एंट्री पॉइंट बोल सकते हैं भाई इस क्लास का, है कि ये क्या है, एंट्री पॉइंट है, ठीक है, इंस्टांस है। ये चीज आप ध्यान रखना। इस तरह भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, एक इंस्टांस है किसका, क्लास का, या फिर क्या है, एक एंट्री पॉइंट, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सेस पॉइंट है क्लास का। तो इस प्रोसेस को, इस मेथड को क्या बोलते हैं, इंस्टेनिएशन, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि लेंथी क्वेश्चंस थे। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।